हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ढाबा स्टाइल चिकन मसाला बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप चिकन बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट, सॉफ्टी और रसदार बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 किलो चिकन, अदरक और लहसुन, बारीक कटा हुआ प्याज और मिर्च, अदरक लहसुन लाल मिर्च और खड़े गरम मसाले का पेस्ट। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे और धीमी आँच पर गर्म करेंगे। तेल गरम होने के बाद उसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, उसके बाद कटा हुआ प्याज और मिर्च डालेंगे और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज का कलर हल्का बादामी न हो जाए। अब प्याज को थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और गैस को धीमा कर देंगे जिससे ये जले नहीं। तब तक अपने मसाले तैयार कर लेते हैं। 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी ले। अब उसमें 2 छोटी चम्मच हल्दी, 4 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 पैकेट चिकन मसाला मिलाकर रख देंगे। अब आप देख सकते हैं प्याज का रंग हल्का बादामी हो गया है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये तेल न छोड़ दे। पेस्ट अच्छी तरह से पक चुका है और तेल भी छोड़ने लगा है, तो अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसके बाद आपको गैस की फ्लेम हाई कर देनी है सिर्फ 2 मिनट के लिए और चिकन को आपको 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेना है ताकि चिकन अच्छे से गर्म हो जाए। अब 2 मिनट चिकन को मैंने हाई फ्लेम पर पका लिया है। अब आपको यहाँ पर फ्लेम को मीडियम कर देना है। अब गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसे 1 मिनट के लिए ढक देंगे जिससे चिकन अच्छे से गल जाए। अब इसमें हम अपने पानी में मिलाए हुए मसाले डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट चिकन की भुनाई करेंगे। ज्यादा तेज गैस में नहीं पकाना है। ज्यादा तेज गैस में पकाएंगे तो चिकन का मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, चिकन हार्ड होना शुरू हो जाएगा। दो तीन मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम पर पकाया था, 7 मिनट इसे मैंने मीडियम फ्लेम पर भुनाई की है। अब इसे कवर कर देंगे और 5 मिनट तक इसको पकाने दीजिए। बीच बीच में मैं पलटा भी चलाते रहिए। तो यहाँ मुझे चिकन पकाए हुए हुए 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे इसकी ग्रेवी थोड़ी लसलसी हो जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं प्याज एकदम सॉफ्ट हो चुका है और गलना भी शुरू हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप चिकन को पकाएंगे तो लगभग 22 से 25 मिनट का टाइम लग जाएगा चिकन को अच्छे से पकाने में, क्योंकि इसकी हमने मीडियम फ्लेम पर कुकिंग की है। आपको चिकन को पकाना है इसी तरह से। जब तेल छोड़ने लगे तो लास्ट इसमें आपको धनिया ऐड कर देनी है और इसके बाद आपको इसे कुछ देर ढक देना है। उसके बाद चिकन खाने के लिए तैयार है। वाओ!